और नाग लोक में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद इतने एक प्यारे और वार्म वेलकम के लिए। और हाँ, बहुत खुश हूँ मैं नागिन भाग्य का एक जहरीला खेल शो के साथ जुड़ रही हूँ, मैं कॉलेज के साथ, बालाजी के साथ। और हम सभी को पता है नागिन इतना बड़ा एक फ्रेंचाइजी बन गया है इंडियन टेलीविजन में। एंड आई मीन फॉर एनी एक्टर, यू नो, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग फ्रेंचाइजी। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन। हमने देखा कुछ झलक, देखा जी, आपका रोमांस भी देखा जी, बाहुबली वाली स्टाइल भी देखी जी, लेकर के सबसे पहले वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, 13-14 साल बॉम्बे में काम करने के बाद, यू नो, आई मीन यू ऑलमोस्ट डन इट, डन एवरी काइंड ऑफ रोल दैट्स पॉसिबल। बट फिर भी एज अ परफॉर्मर, एटलीस्ट मैं हमेशा भूखी होती हूँ कि ठीक है, एक और कुछ मौका मिले जहाँ मैं अपने आप को और थोड़ा सा चैलेंज कर पाऊँ, अपने करियर को एक एक्सेलरेशन दे पाऊँ, अगले पड़ाव तक ले जा पाऊँ। एंड नागिन फॉर मी इज़ एग्जैक्टली दैट। एज एन एक्टर, एज अ फीमेल एक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पॉसिबल है अंडर द स्काई और मैंने नहीं किया हो। Like you said, I've danced on the sands, dhoop mein fight sequences hai, I've fallen off the cliff, I've swam, so name it, I've done everything possible physically. Emotionally, it's really challenged me to have the softer look, to have the aggressive, bold look. Look-wise, again, there's a variety of looks, so, you know, that's been given to me. So as I said, as a performer, what more do you need? You need good scenes, you need good looks, and that platform. And after 13-14 years, you know, I feel ki wow, वापस से इतनी मेहनत करने का मुझे एक मौका मिला है, एक शो मिला है विच आई थिंक इज डूइंग जस्टिस टू माई टैलेंट एंड वाइस वर्सा, यू नो, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि नागिन हैज कम टू मी एट दिस पॉइंट इन माय करियर। जब नागिन की बात होती है ना, तो पहली नागिन याद आती है जी 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 जी। कुछ बदलाव अब की नागिन आपको नजर आता है, कुछ चेंजेस नजर आते हैं जी? ऑफ कोर्स समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई है। पहले हम लोग ओरिजिनल स्नेक के साथ शूट करते थे, अब ये देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स व्हिच इज कम इनटू प्ले, और देखने में बड़ा दिलचस्पी लगता है बिकॉज आई थिंक यंग ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट भी होती है व्हेन यू सी सम वेरी नाइस एंड द काइंड ऑफ ग्राफिक्स दैट हमारे शो में होता है विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी ग्राफिक्स। ग्लैमर क्वोशन्ट डेफिनेटली अप हो गया है, यू नो, वी आर मोर हॉटर, नॉट दैट वी वर नॉट हॉट देन, बट इट्स मोर हॉटर नाउ एंड इट्स बिकम बिग, यू नो, विद टाइम, विद द सक्सेस ऑफ शो लाइक दिस, हर चीज़ और बड़ा हो गया, इट्स मोर लार्जर देन लाइफ। सो या, देर आर चेंजेस एंड ऑल ऑफ देम आर गुड चेंजेस। कहानी की शुरुआत आपसे ही हो रही है जी, मेरे किरदार का नाम है मान्यता एंड कहानी की शुरुआत मान्यता की ज़िंदगी से होती है। और जो हमारा टैगलाइन है, भाग्य का जहरीला खेल, कैसे भाग्य एक जहरीला खेल खेलता है मान्यता के साथ, वो कैसे ठान लेती है कि मैं भाग्य से बदला लूँगी, जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया हुआ है उनसे बदला लूँगी, और मान्यता और उसकी जो बेटी है वो दोनों मिलके इस सफ़र पे चल पड़ते हैं भाग्य के जहरीले खेल के साथ अपना बदला पूरा करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, देखना पड़ेगा आपको नागिन का लुस्ट पे। चलिए, नागिन की बात करें तो नागिन की आँखें ही सब कुछ हैं जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आँखें हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं आई टेक दर कॉम्प्लीमेंट हमली, लेकिन मेरा कुछ इसमें लेना देना है नहीं, इट्स माई जेनेटिक्स एंड भगवान की देन है, एंड बीइंग अ बंगाली आई हैव गॉट द आईज दैट आई हैव गॉट, बट आई थिंक इट वर्क्स फॉर द शो। ऑफ कोर्स आई पुट ऑन लेंसेज राइट नाउ, बट येस, एज यू राइटली सेड, नागिन के किरदार में आँखें बहुत ही अहम भूमिका प्ले करती है, बिकॉज सारा जो क्रोध है, गुस्सा, इमोशन, जो भी बोलो, एनी विच वेज, आई ऑलवेज से आँखें जो है एक इंसान के मन के अंदर क्या है वो छवि आँखों में ही झलकती है। सो येस, यू कैन सी माई आईज एंड आई एम वेरी एंग्री एट दिस पॉइंट इन टाइम, और इस नागिन के साथ पंगे तो जरूर मत लेना। इस मान्यता के लुक के बारे में पूरे लुक के बारे में, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंगली जैस्मिन का भी नागिन एक लुक हमको देखने को मिला है, एंड दिस वी ऑल हैव वेरी डिफरेंशिएटेड लुक्स एंड एवरीबडी हैज अ वेरी स्पेसिफिक लुक टू देमसेल्फ। सो आई हैव दिस मरून अटायर एंड व्हाट आई रियली लाइक इज जब आप नागिन की बात करते हो, एक छवि मन में आ जाती है कि ऐसा होगा, कंचुकी होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन अगर आप ये देखो, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मिरर वर्क डन एंड इट इज़ नॉट द रेगुलर काइंड ऑफ लुक जो चलने दिया जाता है कि नागिन है तो जस्ट मेक अ ग्लैमरस एंड स्किम्पी क्लोथ्स। इट्स वेरी क्लासी एंड ऑन स्क्रीन इट लुक्स वेरी नाइस बिकॉज द मिरर्स रिफ्लेक्ट। आई हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, सो आई लव माई लुक। वॉट से आप बोलो, मैं क्या मतलब, मैं खुद ही तारीफ करूँ अपनी, आप बताओ कैसा है लुक। नागिन ने एक बैन सेटअप किया हुआ है जी, आपको लगता है कि जो ये 4 सीजन है, हाँ, इससे कहीं ज़्यादा ऑडियंस के दिलों में, दिमाग में छाने वाला है?
हम उम्मीद तो यही रखते हैं, हम विश्वास करते यही बात. इनफैक्ट एक मज़े की बात यह है कि हमने आपस में विद इन आर टीम सेड दैट वी होप एंड वी प्रे यू नो वी काइंड ऑफ क्रॉस आवर ओन बेंचमार्क. एंड यस इट इज़ सच अ बिग शो, तो एक प्रेसिडेंस तो है ही कि इट्स बिग शो, वी हैव टू लिव अप टू दैट प्रेसिडेंस. पर हम प्रेशर नहीं ले रहे, हम इस चीज़ से रादर प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं कि जो ऐसा सक्सेस स्टोरी रही है उसको हम आगे ही बढ़ा लें. एंड वाई नॉट, इस सीज़न में हमारी कास्टिंग भी अगर देखें, इट्स अ बिग एंसेंबल कास्ट, देयर आर बिग नेम्स, विजेंद्र, निया, जैस्मिन, माई सेल्फ, एवरीबडी, यू नो, शालीन्स देयर विद मी इन द फर्स्ट एपिसोड एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट. सो इट जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर. वी हैव डन एन अमेजिंग आउटडोर इन जैसलमेर, एंड यू नो बालाजी, एकता, मुक्ता, दे हैव रियली रियली मेड इट वेरी बिग. सो यू नो आपको देखना पड़ेगा, दैट इज रियली बिकम बिगर दिस सीजन. एंड यस, वी आर वेरी श्योर कि हम अपने खुद के रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं. जो आपने नयनतारा का लुक देखा, अपनी बेटी का जो नागिन का लुक देखा, तो आपको अपने नागिन की कुछ याद आई, अपने समय की कुछ याद आई? नहीं, अपने समय की याद करने के लिए मैं खुद हूँ ना, मैं खुद को देख के ही नॉस्टैल्जिया फील करती हूँ. ऐसा है नहीं, मतलब ऑफ कोर्स यू फील नॉस्टैल्जिक यू नो, बट इट्स हैप्पी नॉस्टैल्जिया. एंड मैं तो इसी जोन में हूँ कि आई फील ब्लेस्ड यू नो, कि जो एक चीज़ आप इतने साल पहले कर चुके हो, आज भी इतने सालों बाद जहाँ पे इतने नए नए टैलेंट आ रहे हैं, फिर भी आपको सोचा जाता है ऐसे एक रोल के लिए. सो हम्बली आई विल एक्सेप्ट दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, एंड इट ओनली गिव्स मी that energy, more energy in my belly to, you know, keep carrying on in my career. Aur main hamesha bolti hu, I'm not a one show wonder, I want to act till the rest of my life, till the end of my life. So you know, moments and opportunities like this just aapko wo wapas apne andar jo vishwas hai usko wapas se jagrut kar deta hai, that yes, you've got it in you, and just keep going, aage badhte chalo. Aur hum to aage badhte chalenge, aap log dekhte rahiye Naagin Bhagya Ke Zeherila Khel Colors par 14 December se. Ye saal bhi bahut acha raha aapka, you know, do do jagah kaam ho raha hai, jo aane wala saal hai uske liye kya. और हर सभी को मेरी तरफ से 2020 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. सब लोग बहुत खुश रहे, पीसफुली रहे. हमारे देश में एज आई स्पीक अभी बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हो रही है जिसपे बहुत सब कुछ हो रहा है. सो यू नो, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्पी मोमेंट्स, लेट्स जस्ट बी अ लिटिल मोर मॉरल एंड अवेयर सिटीजन्स, अवेयर ह्यूमन बींग्स, यू नो, लेट्स प्रायोरिटाइज ह्यूमैनिटी फर्स्ट. एंड जितना अपने तरफ से हम अपनी पर्सनल एफर्ट डाल के, इन विच एवर वे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, लेट्स जस्ट डू दैट. एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैव अ ग्रेट 2020. But in that greatness, you have to watch Naagin.